नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल की सिम है और दोस्तों अगर अभी एयरटेल का मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं और दोस्तों अगर आप भी एयरटेल में यहाँ पे SMS के रिचार्ज प्लान यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कौन से ऐसे सस्ते रिचार्ज प्लान हैं जो कि आप अपने एयरटेल की सिम में करा सकते हैं ताकि आपको SMS की इनकमिंग और SMS की आउटगोइंग यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाए। या भी दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपको बैंक वेरिफिकेशन कराना है, बैंक का कोई OTP आ रहा है आपके फोन में, OTP सेंड करना है, OTP रिसीव करना है, SMS के कौन कौन से ऐसे SMS के रिचार्ज प्लान है, एयरटेल वाली सिम में ऐसे कौन से सस्ते SMS के रिचार्ज प्लान है जो कि आप करा सकते हैं ताकि आपके पास SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग फैसिलिटी आप मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको बता दूं कि कैसे आप कौन कौन से आप रिचार्ज प्लान है एयरटेल वाली सिम में जिसमें आपको सस्ते SMS रिचार्ज बने जिसमें आपको SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग फैसिलिटी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एयरटेल की सिम में कौन कौन से ऐसे SMS के रिचार्ज प्लान है जो कि आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, गूगल में यहाँ पे टाइप करना है एयरटेल रिचार्ज प्लान, या दोस्तों आप एयरटेल का जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा भारती एयरटेल, यहाँ पे www.airtel.in ये वाली जो है वेबसाइट आ जाती है, यहाँ पे ब्राउज मोबाइल रिचार्ज प्लान एयरटेल। तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। तो हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं अनलिमिटेड वाले प्लान्स की। तो दोस्तों, अनलिमिटेड वाले प्लान्स में क्या होता है, बेसिकली जो महंगे प्लान्स होते हैं जैसे 1799 वाला प्लान है, 999 वाला प्लान है, 839 रुपये वाला प्लान है, 779 वाला प्लान है, 719 रुपये वाला प्लान है। अब दोस्तों, इतने महंगे रिचार्ज प्लान में SMS केवल SMS की वैलिडिटी के लिए इतने महंगे रिचार्ज प्लान कराने जो है गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों 666 वाला प्लान है, 666 वाला प्लान है, 549 वाला प्लान है। तो कौन कौन से ऐसे रिचार्ज प्लान है जो कि आप करा सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे डेटा वाले रिचार्ज प्लान है, टॉक टाइम वाले प्लान है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सस्ते रिचार्ज प्लान है एयरटेल वाली सिम में, कौन कौन से ऐसे सबसे सस्ते वाले रिचार्ज प्लान है जो कि आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रूली अनलिमिटेड वाले सेक्शन में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ प्लान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वाला जो रिचार्ज प्लान है वो दोस्तों है 155 रुपये का रिचार्ज प्लान है। यहाँ पे आप देखिए 155 रुपये वाला जो है रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको 1 GB डेटा मिल जाता है 24 दिनों के लिए। यहाँ पे अगर हमें आपको इसको व्यू डिटेल्स करके यहाँ पे दिखाऊं तो देख सकते हैं दोस्तों, 155 रुपये वाला प्लान है जिसमें आपको 1 GB डेटा यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, वैलिडिटी जो है 24 डेज की, और SMS यहाँ पे 300 SMS यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको केवल SMS के लिए रिचार्ज प्लान करा सकते हैं तो दोस्तों ये बेस्ट प्लान है 155 रुपये का, तो ये आप जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो दोस्तों 155 वाले प्लान के जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे प्लान मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं बताता हूँ आपको कौन सा प्लान है 155 के बाद का। यहाँ पे एक प्लान आता है 179 का, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है ये है 155 रुपये वाला प्लान, इसके बाद है दोस्तों 179 रुपये वाला प्लान। ठीक है दोस्तों, 179 रुपये वाले प्लान में अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो 179 रुपये वाला प्लान है, टोटल आपको 2 GB डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, वैलिडिटी 28 दिनों की, अनलिमिटेड कॉलिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया BSNL किसी भी नेटवर्क पे आप फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। और SMS यहाँ पे आज जो है 300 SMS यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 300 SMS यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएंगे, 28 डेज की वैलिडिटी, 28 दिन का जो है प्लान है ये, जो आप जो है डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आपको SMS की वैलिडिटी चाहिए तो एयरटेल की सिम अगर आपको वहाँ पे SMS की वैलिडिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं, SMS आपको सेंड करना है, SMS रिसीव करना है, OTP SMS सेंड करना है, बैंक के SMS सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आप जो है ये वाला प्लान करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो है इसके बाद का जो प्लान है वो दोस्तों एक है 199 रुपये वाला प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जो है दोस्तों आपको SMS वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाएगी, 3 GB डेटा यहाँ पे मिलता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉल फ्री कॉलिंग मिल जाती है, वैलिडिटी 30 दिनों की वैलिडिटी, और 300 SMS यहाँ पे टोटल आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 199 वाले प्लान के बाद दोस्तों एक 209 रुपये वाला प्लान है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 209 रुपये वाला प्लान। इसमें दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है 209 रुपये वाले प्लान में 1 GB डेटा पर डे मिलता है, 21 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, फ्री कॉलिंग मिलती है, और SMS मिल जाता है आपके, 100 SMS पर डे मिल जाते हैं। तो अगर आपको SMS चाहिए तो आप ये भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, 21 दिनों की वैलिडिटी है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों 239 रुपये वाला प्लान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको टोटल 1 GB डेटा मिलेगा, 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है यहाँ पे आपको, 1 GB डेटा पर डे में यहाँ पे मिलता है आपको, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, और उसके बाद दोस्तों SMS मिल जाते हैं आपको, 100 SMS पर डे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है पांच प्लान्स हैं जो मैंने बेस्ट पांच प्लान जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको एयरटेल वाली सिम अगर आप यूज़ करते हैं, प्रीपेड सिम अगर आप यूज़ करते हैं, और आप ऐसे प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको SMS की इनकमिंग या आउटगोइंग मिल जाती है, तो दोस्तों दोबारा से बता दे रहा हूँ, 155 रुपये वाला प्लान है, 179 रुपये वाला प्लान है, 199 रुपये वाला प्लान है, 209 रुपये वाला प्लान है, और 239 वाला प्लान है। ये सबसे सस्ते जो है रिचार्ज प्लान है जिनमें आपको एयरटेल वाली सिम में आपको रिचार्ज यहाँ पे रिचार्ज की SMS की वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है कौन सा सबसे सही प्लान लगा वो मेरे को जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप जानते कि जैसे SMS प्लान काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, टैरिफ प्लान प्रीपेड प्लान काफी महंगे हो चुके हैं, तो आपकी क्या राय है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप कौन सा जो है मोबाइल नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, जियो यूज करते हैं हम, एयरटेल की सिम यूज करते हैं, वोडाफोन आइडिया की सिम यूज करते हैं, BSNL की सिम यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा उसके, अगर वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे जो और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका जो है कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बोलते हैं हर मदेश में बजे बनाते।